और वहीं कोरोना काल में लोगों के लिए मसीहा बने सोनू सूद ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। दिल्ली सरकार देश का मेंटोर नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। देश का मेंटोर का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि सोनू सूद ने दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की जमकर तारीफ की है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में लोगों की मदद कर शोहरत पाने वाले फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने सीएम केजरीवाल से मुलाकात की है। दिल्ली सरकार देश का मेंटोर नाम से एक कार्यक्रम शुरू कर रही है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद होंगे। इस बारे में सीएम केजरीवाल ने जानकारी दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा है, आज सोनू सूद पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। आज इतनी सारी सरकारें जो नहीं कर पा रही हैं, वो सोनू सूद कर रहे हैं। जो भी सोनू सूद से मदद मांगता है, वे उसकी मदद करते हैं। तो देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा है कि वो भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे और वो लोगों को अपील करेंगे, देश भर के लोगों को, कि वो भी मेंटोर बने। वही सोनू ने के एजुकेशन मॉडल है और कहा बच्चों को अच्छी शिक्षा तो देंगे, लेकिन उनको सही दिशा देने वाला भी होना चाहिए। इन बच्चों को गाइड करने की कोशिश रहेगी। उन्होंने कहा कि और भी लोगों को बच्चों का मेंटोर बनने के लिए आगे आना चाहिए। एजुकेशन का नाम आता है तो देश में दिल्ली का नाम हमने हमेशा देखा है कि अगर एजुकेशन हो तो दिल्ली जैसी हो। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में अगर ग्रोथ तभी हो सकती है जब एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली में किस लेवल का चेंजेस आया है। एंड ऑल थैंक्स टू सर फॉर दैट। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जिनको बताने वाला कोई नहीं है, उनको एक रास्ता तो दे दिया आपने, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छा सर दिया, लेकिन उन्हें बताने वाला नहीं कि आप करें क्या, दिशा कौन सी पकड़े। तो उस समय हमें वो लोग चाहिए जो एक बहुत एक्सपीरियंस साथ में लेकर आते हैं, जो आपके मेंटोर बनते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। वहीं चुनाव लड़ने और आम आदमी पार्टी में जुड़ने के सवाल पर सोनू सूद ने कहा कि लोग हमेशा कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, राजनीति में आइए। उन्होंने कहा किसी अच्छे काम के लिए ये जरूरी नहीं कि राजनीति में आया ही जाए। सोनू सूद ने कहा ऑफर आते रहते हैं, लेकिन कभी इस विषय में सोचा नहीं। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनके और अरविंद केजरीवाल के बीच राजनीति को लेकर कोई बात नहीं हुई है। नहीं, नथिंग, देयर इज नथिंग पॉलिटिकल। मैं हमेशा मेंटेन करता रहा हूँ कि लोग हमेशा बोलते हैं कि आप कोई अच्छा काम करना है तो पॉलिटिक्स में आइए, या क्यों नहीं आ सकते, बहुत कमाल का फील्ड है। आई थिंक अगर आप आएँ तो वन हैज़ टू बी ब्लेस्ड, बट एज ऑफ नाउ वी हैवंट डिस्कस्ड एनीथिंग पॉलिटिकल, बिकॉज ये मुझे लगता है ये मुद्दा उससे भी बड़ा है एंड दिस इज अबव ऑल। बता दें कि दिल्ली सरकार देश का मेंटोर नाम से कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चला रही है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो बहुत गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्हें गाइड किया जाता है वे अपने भविष्य में क्या कर सकते हैं। सोनू सूद इन बच्चों के मेंटोर बनेंगे और देश के लोगों से भी अपील करेंगे कि वे आगे आएं और बच्चों के मेंटोर बनकर उनकी मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।